24 में 24 घंटे के लिए हमें आप पर प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे दीजिए। क्या बोला तूने? 24 में 24 घंटे के लिए हमें आप पर प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे दीजिए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। यार इसकी बकचोदी सुनकर मुझे वो शेर याद आ रही है कि रहता है नाली में महकने को फूल चाहिए। अर्ज किया है कि रहता है नाली में महकने को फूल चाहिए, गांड धोने के लिए लोटा नहीं है, नहाने को स्विमिंग पूल चाहिए। जिस तरह से जितने भी देश में जिहादी हैं, मैं 24 घंटे के अंदर उनको जहन्नुम न पहुंचा दूं। यार इसका थिंकिंग लेवल देखकर मुझे नितिन गडकरी जी की वो बातें याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि नितिन गडकरी जी ने वो बातें इसी चमन चूतिए के लिए कही हो। इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। 24 घंटे के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बना दूं, तो मैं उसके लिए कोई भी शर्त हारने को तैयार हूं। इसकी खुद की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि पहनने को बंडी नहीं है इसके पास। जो सिर्फ गमछा लपेट के काम चला रहा हो वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था 24 घंटे में सुधार देगा। वाह क्या बकचोदी है यार। और 24 घंटे के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बना दूं, तो मैं उसके लिए कोई भी शर्त हारने को तैयार शर्त हारने जैसी बातों को सुनकर अगर आपको लग रहा है कि बाबा बहुत महान है, तो आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इसने ऐसी बचकानी बातें कही हो। पहले भी ये बहुत बार ऐसी बातें बोल चुके हैं। याद है इसने क्या कहा था? 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये जिंदा कैसे है, ये तो 2021 में जल समाधि लेने वाला था। भले ये कुछ भी बोले लेकिन इस बंदे से सबसे ज्यादा खतरा मोदी जी को है। ये बार बार यही कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दो। अगर ये प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या मोदी जी चाय बेचने जाएंगे? आखिर में मोदी जी से बस इतना गुजारिश करना चाहते हैं कि जब चंद्रयान 4 लॉन्च हो तो उसमें इसे बैठा कर किसी तरीके से चांद तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ऐसे प्राणी पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक हो चुके हैं और मोदी जी की कुर्सी के लिए भी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पॉलिटिकल फैक्ट सेंटर को सपोर्ट करना ताकि हम अगली वीडियो जल्द लेकर आ सकें।